रसोई में सालों से टंगी थी ऐसी दुर्लभ पेंटिंग एक झटके में महिला बन गई करोड़पति। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में ही कई ऐसी चीजें होती हैं जो बेहद ही नायाब होती हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता और जब पता चलता है तो हम चौंक जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है फ्रांस के कॉम्पेनियन शहर में रहने वाली एक महिला के साथ, जिसकी रसोई में सालों में एक पेंटिंग टंगी हुई थी, लेकिन उसे उसकी कीमत नहीं पता थी और जब पता चली तो वो एक झटके में ही करोड़पति बन गई। दरअसल फिलोमेन वोल्फ नामक महिला ने पेंटिंग को अपनी रसोई में गैस चूल्हे के ऊपर टांग रखा था। उसने बताया कि वो उसे साधारण पेंटिंग मानती थी। परिवार ने धार्मिक प्रतीक के तौर पर उसे घर में रखा था। उसे इस पेंटिंग के महत्व के बारे में तब पता चला जब वो अपना घर बेच रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने इसी साल जून में अपना पुराना घर बेचकर नया घर लेने की योजना बनाई थी। चूंकि महिला का घर साल 1960 में बना था, इसलिए उसने घर में रखे सामान की कीमत लगाने के लिए नीलामी विशेषज्ञों को बुलाया। इस दौरान विशेषज्ञों ने पेंटिंग की जो कीमत लगाई उसे सुनकर वो चौंक गई। नीलामी विशेषज्ञों के मुताबिक यह पेंटिंग 13वीं सदी की है। माना जा रहा है कि इसे वर्ष 1280 में बनाया गया था। इस पेंटिंग को इटली के मशहूर पेंटर चिमाबुए की कृति बताया जा रहा है। चिमाबुए को सेनी डी पेपो के नाम से भी जाना जाता है। इस पेंटिंग की कीमत 31 करोड़ रुपए से 46 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। इसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। जानकारी के मुताबिक सेनी डी पेपो ने ईसाई समुदाय के जज्बातों को दर्शाते हुए इसी तरह की कुल 8 पेंटिंग बनाई थी। यह पेंटिंग भी उन्हीं में से एक है। ऐसी ही दो पेंटिंग इस वक्त लंदन की नेशनल गैलरी में रखी हुई है। इस दुर्लभ पेंटिंग के बारे में महिला का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह पेंटिंग कहां से आई, उसके परिवार को कैसे मिली और उसके घर में कितने सालों से है। बताया जा रहा है कि इस पेंटिंग की नीलामी 27 अक्टूबर को की जाएगी। आपको बता दें कि महिला के घर से करीब 100 और अन्य नायाब चीजें भी मिली हैं, जिनकी कीमत करीब 4,65,000 रुपए बताई जा रही है।